ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल धनु की दुनिया में। बात करेंगे धनुराशि वाले जातकों के आज के दैनिक राशिफल के बारे में। चलिए मित्रों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक कर दें। हमारे यूट्यूब चैनल अगर धनु की दुनिया पर पहली बार आए हैं तो चैनल को मित्रों सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इस चैनल पे सिर्फ और सिर्फ धनु राशि वाले जातकों के लिए ही वीडियो मिलती है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दिनांक 11 अक्टूबर 2020 है, तिथि नौमी, नक्षत्र पुष्य, पक्ष कृष्ण पक्ष, दिन रविवार रहेगा आज का। दोस्तों, अपनी जो ऊर्जा का इस्तेमाल है किसी मुश्किल में फंसे इंसान की मदद करने के लिए आज आप करिए। याद रखिए, ये जो शरीर है एक ना एक दिन तो मिट्टी में मिल ही जाना है, नष्ट ही हो जाना है, क्योंकि ये शरीर जो है नश्वर है। अगर यह किसी के काम ना आ सके तो इस शरीर का क्या फ़ायदा। इसलिए जितना हो सके आप जो मदद कर सकते हैं आज किसी की मदद करने का प्रयास करिए, जो ज़रूरतमंद हो। किसी मुश्किल में फंसे इंसान की मदद आज आप करिए, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। दोस्तों, आर्थिक तौर पे सुधार देखने को आज आपको मिलेगा। आर्थिक जीवन में कुछ बदलाव आपको देखने को आज मिल सकता है। दोस्तों, आपके जीवन साथी की जो सेहत है आज थोड़ी बिगड़ सकती है, इसलिए उनके चिकित्सकीय देखरेख की आवश्यकता भी हो सकती है, डॉक्टर के पास ले जाना पड़ सकता है। इसलिए अगर जितना हो सके उनका सेवा करिए, उनका ख्याल रखिए ताकि परेशानी आगे ना बढ़े। प्यार के नज़रिए से देखा जाए तो ये आज का जो दिन है प्रेमी जातकों के लिए बहुत ही बढ़िया है। जो प्रेम में पड़े हुए हैं उनके लिए बहुत ही बेहद खास दिन आज का रहने वाला है। दोस्तों, आज बिना किसी को अवगत कराए ही आपके घर जो कोई दूर का रिश्तेदार है आ सकता है, जिसके कारण आपका जो समय है खराब होगा। साथ ही साथ आर्थिक खर्च भी ज़्यादा होगा। जो महीने अगले महीने के लिए जिस खर्च को आपने टाल रखा था, उन वस्तुओं पर आपको इसी महीने खर्च करना पड़ सकता है। इससे थोड़ी सी आर्थिक स्थिति डमाडोल हो सकती है, परंतु आकस्मिक स्रोतों से जो धन लाभ के स्रोत दिख रहे हैं, इससे आपके जो ये खर्चे बिल होंगे इसको आसानी से संभाल लेगी, आपको ज़्यादा परेशानी नहीं उठाना पड़ेगा। जीवन साथी आपको प्यार और सुख की लोक का शहर आज करा सकता है। आज अचानक तबीयत खराब हो सकती है, अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिए। सारे दिन आप थोड़ा परेशान रह सकते हैं, सर दर्द आपको थोड़ा आज परेशान कर सकता है। उपाय करिए दोस्तों, आपके लिए जो उपाय है आज का, इसको आप जरूर एक बार फॉलो करिए। अच्छे स्वास्थ्य के लिए जेब में पीला रंग का रुमाल रखिए। धनुराशि वाले जातकों के लिए जो पीला रंग होता है शुभ माना जाता है, इसलिए पीले रंग का रुमाल रखिए। स्वास्थ्य जो है अच्छा होगा, बाकी चीज़ों में भी परिवर्तन देखने को मिलेगा। जीवन में समस्याएँ आ रही हैं उससे भी आपको निजात मिलेगा। शुभ अंक 6 रहेगा। शुभ रंग नारंगी और सुनहरा है आज का। बुरी दिशा पश्चिम है, आज पश्चिम दिशा में मत जाइए। अगर आवश्यकता है, जाना पड़ रहा है, तो विशेष सावधानी बरतिए। आपके लिए जो अच्छा समय यानी कि शुभ समय बोला जाए तो दोपहर के 12:08 से शुरू होगा और दोपहर के 1:06 पर समाप्त हो जाएगा। कोई भी शुभ काम करना है, शुभ काम के लिए घर से निकलना है, इस अवधि में निकलिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। ध्यान देने वाला समय यानी कि सतर्क रहने वाला समय, अशुभ समय कहें तो वो सुबह के 11:10 से शुरू होगा और दोपहर के 12:08 पर समाप्त हो जाएगा। इस अवधि में आप कोई शुभ काम मत करिए, या फिर घर से अगर बाहर निकलना है किसी शुभ काम को लेकर तो इस अवधि में रुक जाइए, इसके बाद निकलिए। तो मित्रों, ये था आज का आपका राशिफल। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कर दें, कमेंट सेक्शन में जय श्री राधे, जय भोलेनाथ, जय शनिदेव जरूर लिखें। शनिदेव आपकी सारी मनोकामनाएँ पूरी करें, सारे दुखों को दूर करें, यही कामना करते हैं। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, मुस्कुराते रहिए, आसपास सफाई रखिए, घर वालों का ख्याल रखिए। जय श्री राधे। आज का दिन मंगलमय बीते, शुभ बीते, अच्छा बीते, यही कामना करते हैं। जय श्री राधे।